जिस मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ, इस मूवी में फैमिली ड्रामा, रोमांस, इमोशन और एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एक्शन मूवी के फैन हैं जो हीरो को लात घुसे ना पड़े और हीरो हवा में उड़ के न्यूटन्स ग्रेविटी लॉ को भी मान दे दे और एक ही हीरो पूरे देश या गुंडे का सफाई कर दे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो मूवी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये एक तमिल मूवी है। ये 2013 में रिलीज हुआ था। तो मूवी का नाम है पांड्या नाडु और इस मूवी को हिंदी डब वर्जन शिवा का बदला नाम से आप लोग गोल्ड माइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 7.2 out of 10 और 91% गूगल यूजर ने पसंद किया था। मूवी के लीड रोल में है साउथ का जाना माना स्टार विशाल, जो अब तक बहुत सारे हिट मूवी दे चुका है, और वैसे ही लीड एक्ट्रेस के रूप में लक्ष्मी मेनन को देख सकते हैं और हीरो के दोस्त के रूप में विक्रांत को, और वैसे मिस्टर सरद को एक खतरनाक विलेन के रूप में दर्शाया गया है। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी के फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा फैमिली ड्रामा, रोमांस, इमोशन, जो आप लोगों को मूवी थोड़ा स्लो लगे, पर जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल भी आगे बढ़ता है। क्लाइमेक्स मूवी का बहुत ही अच्छा है। मूवी शुरू होती है एक खुशहाल परिवार से, जिसमें माँ, बाप, दो भाई, भाभी और एक छोटी सी बच्ची है। मूवी में हीरो के रोल में शिवा, जो कि एक खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर चलाता है, और शिवा का पिता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसका बड़ा भाई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। मूवी में हीरो को बहुत ही सीधा साधा दिखाया गया है, जो कि एक स्कूल टीचर के प्यार में पड़ जाता है और उसको पटाने के लिए भी वो दोस्तों से मदद लेता है। और दूसरी तरफ रवि एक खतरनाक गुंडा है, जो अपने भाई के साथ मिलकर अपने एरिया में दहशत का माहौल बनाता है। अपने बहुत सारे गलत धंधे के साथ वो एक ग्रेनाइट माफिया भी है। रवि के इलीगल ग्रेनाइट खुदाई के काम करते वक्त बहुत सारे मजदूरों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, और इस इलीगल काम को रोकने के लिए शिवा का बड़ा भाई, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो कोर्ट में पिटीशन डाल देता है काम को रोकने के लिए। ये देखकर रवि गुस्से से बौखलाकर शिवा के बड़े भाई को एक्सीडेंट के रूप में मौत के घाट उतार देता है। एक जवान बेटे को खोने के बाद एक पिता पर क्या कुछ गुजरता है और कातिलों से बदला लेने के लिए वो किस हद तक जा सकता है, जो जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ शिवा है, जो कि बहुत ही सीधा सादा है और अपने आप को मारपीट से बहुत ही दूर रहता है। अपने बड़े भाई के मौत का बदला वो किस तरह लेता है, ये जानने के लिए आपको फुल मूवी देखना पड़ेगा। मुझे इस मूवी में अच्छा लगा इस मूवी का फाइट सीक्वेंस, जो कि बहुत ही नेचुरल तरीके से दिखाया गया है। हीरो को एक आम आदमी की तरह दिखाया गया है, ना कि सुपर हीरो, जो कि दो तीन गुंडों को हवा में उठाकर मार देता है। मूवी देखने के बाद मूवी कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।